हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सजेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एस एस सी एम टी एस और हवलदार के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट साल कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश के मध्य है। तो महाकाली जो संधि है किस भारत और किस देश के बीच है, तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के, नेपाल के, बांग्लादेश या श्रीलंका के। तो कौन सा जाएगा भाई, तो महाकाली संधि किसके बीच है, तो भारत और नेपाल के बीच है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, महाकाली संधि पर जो भारत और नेपाल ने फरवरी 1996 में हस्ताक्षर किए थे, यह जो संधि महाकाली नदी के जल बंटवारे से संबंधित है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, नेपाल आया है, तो नेपाल की जो राजधानी आप जानते हैं कठमांडू है। ठीक, और इसकी जो मुद्रा है नेपाली रुपया है। ठीक, और यहाँ जो है भारत का पड़ोसी भी है, और जो है यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ये पुष्प कमल दाहल हैं यहाँ के प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति जो है रामचंद्र पावडेल जो है नए राष्ट्रपति यहाँ के चुने गए हैं। कौन भाई? रामचंद्र पावडेल यहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जो विद्या देवी भंडारी के स्थान पर चुने गए हैं। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, करें कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। देखिए, करें कि राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है कौन कर, करें कि शराब पर आबकारी शुल्क, पूंजीगत अभिलाप कर, सीमा शुल्क या निगम कर। तो बताइए भाई, 42 का कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, शराब पर आबकारी शुल्क। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए, कर जो है आपके कितने टाइप के होते हैं, कर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर वह होता है जो एक प्रकार का कर है जो एक व्यक्ति द्वारा सरकार को भुगतान किया जाता है, मतलब जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही व्यक्ति जो है उस सरकार को चुकाता है, तो ऐसे कर को हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर वह होता है जो वस्तु या सेवाओं को खरीदने के बाद जो हम कर और जो जिस पर पूरा पैसा हम उसको देते हैं उसमें कर भी इंक्लूड रहता है, तो वे कैसा कर कहलाता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। ठीक, तो देखिए, जैसे केंद्र सरकार द्वारा जो मुख्यतः कर कौन कौन, देखिए ये जो PCDA केंद्र सरकार द्वारा कर लगाया जाता है। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जैसे उत्पाद कर है, कौन भाई, उत्पाद शुल्क और निगम कर आयकर उपहार कर संपत्ति कर और सीमा कर। तो ये कौन लगाता है भाई, केंद्र सरकार लगाता है, कौन, केंद्र सरकार द्वारा कर ये लगाए जाते हैं। आइए देखते हैं राज्य सरकार के कुछ, इसको हटाते हैं तो राज्य सरकार वाला लगाते हैं। देखिए, राज्य सरकार कौन सा कर लगाता है, जैसे भू राजस्व कर। ठीक, भू राजस्व कर, बिक्री कर, ये सब आए हुए हैं आपके एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में बिक्री कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प कर और पथ कर जैसे रास्ते पे कर लगता है, और मोटर वाहन कर। तो ये जो है राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जीएसटी है, जो जीएसटी भी आपसे पूछता है, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं। तो कह रहे हैं कि संबंधित राज्य की संचित निधि से, भारत की आकस्मिक निधि से, भारत की लोक लेखा निधि से या भारत की संचित निधि से। तो किससे होता है भाई, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, संबंधित राज्य की संचित निधि से। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते जो है किससे होते हैं, संबंधित राज्य की संचित निधि से होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। देखिए, नहीं वाला पूछा है, तो आपको नहीं वाला यहाँ पे
बताना है, ठीक है। देखिए तो ये देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर कह रहे हैं कि बालाकोट, मांडा, चन्हुदड़ो, नागेश्वर, तो कौन से, देखिए यहाँ पर आपके ए नंबर बालाकोट में भी पाए गए हैं शिल्प शिल्प कलाओं के, और चन्हुदड़ो में और नागेश्वर में, देखिए मांडा में नहीं पाया, तो इसका ऑप्शन नंबर नहीं वाला पूछा है, तो आपका मांडा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का जो मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो ये देखिए मांडा आपका सॉरी मांडा स्थल कहाँ है, मांडा स्थल जो है जम्मू और कश्मीर के चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर है, ठीक। तो यहाँ पर जो है शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, और आपके बालाकोट और चन्हुदड़ो और नागेश्वर में आपके पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए बालाकोट से बहुतायत मात्रा में क्या पाए, सीप की बनी चूड़ियाँ, सीप की बनी चूड़ियाँ, चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए, तथा चन्हुदड़ों से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, चन्हुदड़ों से भी वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, और नागेश्वर से शंख में बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्ची कार की वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो ये जो चन्हुदड़ों से वक्राकार ईंटें, ये इंपॉर्टेंस है, तो चन्हुदड़ों से वक्राकार ईंटें जो हैं प्राप्त हुई हैं, तो ऐसा भी आपसे पूछा जाता है किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, तो ये आप बताएंगे चन्हुदड़ों से, ठीक। तो इस प्रकार भी इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। देखिए बालाकोट है, देखिए बालाकोट जो है सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बालाकोट किसके, सीप, ये इंपॉर्टेंस है, देखिए इसको मिटाते हैं, तो पहले देखिए बालाकोट जो है सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपसे पूछा गया है प्रश्न। तो कौन सा ऐसा राज्य हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो बालाकोट याद रखिए। देखिए बालाकोट पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान में है, ठीक है। यह एक बंदरगाह भी था, बालाकोट कैसा था, ये बंदरगाह स्थान, तो दो ही आपके बंदरगाह, लोथल और बालाकोट। देखिए बालाकोट जो है भवन जो है कच्ची ईंट के, तथा नालियां जो है पक्की ईंट की बनी हुई थी, ठीक है। देखिए हड़प्पा स्थल की खोज जो है वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, ठीक। आइए देखते हैं अगला, और देखिए देखिए चन्हुदड़ों की खोज मोहन जोदड़ों से, यह जो है 130 किमी दूर इस दक्षिण पूर्व में स्थित पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, इसकी खोज जो है देखिए 1931 ईस्वी में एम जी मजुमदार ने इसकी खोज की थी, कब की थी, 1931 में चन्हुदड़ों की, ठीक। और यहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई, ये आपको हम बता चुके, और मनका बनाने का कारखाना भी यहां पर प्राप्त हुआ है, और एकमात्र स्थल जहां क्या नहीं था, दुर्ग नहीं था भैया, चन्हुदड़ों में कोई दुर्ग नहीं था, और यहां से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य भी चन्हुदड़ों से मिला है, ठीक। तो इस प्रकार यहां पे ये ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, ठीक। और देखिए कुछ और बताते हैं, देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में बताते हैं, इसको अर्थ है मृतकों का टीला कहते हैं, ठीक। यह सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो, और खोज रखालदास बनर्जी ने किया था, भाई रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, कब की थी, 1922 ईस्वी में, ठीक। और लोथल के बारे में जानिए, भाई लोथल ये भी कई बार पूछा, देखिए लोथल एक बंदरगाह था, और यह गुजरात में स्थित है, और यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है, इसकी खोज डॉक्टर एस आर राव ने किया था, ठीक। और यहाँ से धान मतलब चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, ठीक, और फारस की मोहर भी यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कालीबंगा के बारे में, देखिए कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, कहाँ भाई, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, और खोज अमलानंद घोष ने किया था, कौन भाई, अमलानंद घोष ने किए थे। देखिए जो या घाघर नदी के
तट पर स्थित है, ठीक है। और देखिए, और इसकी जो भवन थी कच्ची ईंटों की बनी थी, और नालियां जो हैं कुआं जो है पक्की ईंटों के बने हुए थे। देखिए धौलावीरा के बारे में, गुजरात के कच्छ में स्थित है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से भाई? घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा, ठीक। तो इस प्रकार इसमें कुछ इंपॉर्टेंस बातें थी, हमने आपको बतला दिया। तो आप इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम दे दिए, ठीक। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अरे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास किस पार्टी के संस्थापक थे? तो बताइए भाई किस पार्टी के संस्थापक थे? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? 45 का ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर चला जाएगा, स्वराज पार्टी के, ठीक, स्वराज पार्टी के। देखिए जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 में, और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, लेकिन देखिए असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ इसी दिन सौभाग्य से 1 अगस्त को 1920 को शुरू हुआ, इसी दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। ये इंपॉर्टेंस है प्रश्न। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी शुरू करते हैं, उसी दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। और इसी बीच जो है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरा नामक जो है कांड हो जाता है, जिसमें एक पुलिस चौकी में कुछ उपद्रवियों ने क्या लगा दी? आग लगा दी, जिस कारण से उसमें 20 पुलिसकर्मी जल गए। इस कारण से महात्मा गांधी दुखी होकर जो है 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया, और इस प्रकार महात्मा गांधी को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस पर जो है जिसके बाद जो है ये पंडित मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जो है मिलकर इलाहाबाद में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार सी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कि थोड़ा नीचे कह रहे कि अप्रेंटिसशिप ऑफ ए महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है, जिस पर द मेकिंग्स ऑफ द महात्मा फिल्म भी बनाई गई थी? तो बताइए भी कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, फातिमा मीर, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है, ठीक। तो किस वर्ग में आप इसको, तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में जो है कुल आच्छादन वन जो क्षेत्रफल का 77,462 वर्ग किमी है, और यहाँ पर कुल वन का 11.03% जो है यहाँ पर आच्छादित वन है मध्य प्रदेश में। और दूसरे स्थान पर कौन है भाई? अरुणाचल प्रदेश। और तीसरे स्थान पर कौन है? छत्तीसगढ़ है। अगर परसेंटेज में देखा जाएगा तो मिजोरम है। कौन भाई? मिजोरम। मिजोरम मिजोरम जो है कितना है? 98.47%, ठीक। तो फर्स्ट नंबर परसेंटेज में देखा जाएगा क्षेत्रफल के परसेंटेज में, तो मिजोरम फर्स्ट नंबर पर है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल में देश का सबसे बड़ा मैग्रोव वन क्षेत्र है, ठीक। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन अगला है। महाभारत ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भाई किसने किए थे? तो महर्षि व्यास ने किए। तो ऑप्शन नंबर बी ए नंबर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया भाई? देखिए तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, खालिद जावेद को। खालिद जावेद को साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। देखिए लेखक खालिद जावेद की द पैराडाइज ऑफ फूड ने साहित्य के लिए 5वां JCB पुरस्कार जीता है। तो किस साहित्य के लिए दिया है इन्हें? द पैराडाइज ऑफ फूड, इन्हें इस कृत के लिए जो है 2022 का JCB पुरस्कार दिया गया है। देखिए यह जो है द पैराडाइज ऑफ फूड 50 वर्षों की अवधि के एक मध्यवर्गीय संयुक्त मुस्लिम परिवार की कहानी है, जहां कथावाचक अपने घर और बाहर की दुनिया में अपने लिए जगह खोजने के लिए संघर्ष करता है, ठीक। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी उम्र सीमा होनी चाहिए। देखिए यहाँ नहीं दे दिया तो होनी चाहिए थे, ठीक है ये गलत है। तो कह रहे हैं विधान परिषद के सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी उम्र सीमा होनी चाहिए, कौन सा हो जाएगा भाई विधान परिषद, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, 30 वर्ष। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने की किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो बताइए कौन से राज्य भी, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, असम। देखिए असम मंत्रिमंडल ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बटालियनों में राज्य पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए कम से कम 34 सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है कितने 34, ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो असम के जो मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहने की भारत की पर्वतीय रेल स्पेस रेलवे लाइन है जिसे भारत के पहाड़ों में बनाया गया है, ठीक है तो कितनी है बताइए, तो कितनी है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, 5। जैसे कौन सी हैं, जैसे दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, कांगड़ा घाटी रेलवे, कालका शिमला रेलवे, नेराल से माथेरान रेलवे, ठीक, तो इस प्रकार कुल 5 जो है रेलवे लाइन है जिसे भारत के पहाड़ों में बनाया गया है, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला करें कि रुकुरा माध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में भी, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में। तो रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहे हैं कि में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड से अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है, किसने की भाई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्विटर ने। देखिए ट्विटर के नए बॉस एलन मार्क्स ने घोषणा की है कि ट्विटर अपनी ब्लू सर्विस के लिए 8 का शुल्क लेगा जिसमें ब्लू टिक अकाउंट से भी शामिल है, ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, तो ये आपको आर्टिकल बताना है, तो लोक सेवा आयोग की स्थापना किस आर्टिकल के अंतर्गत की गई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर इसका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 315 के, ठीक, अनुच्छेद 315 के, ठीक। देखिए अनुच्छेद 250 में क्या है, इसमें यह प्रावधान है कि आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो राज सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की क्या होगी, शक्ति होगी, संसद की शक्ति होगी। आर्टिकल देखो 300 में क्या है, भारत सरकार संघ के नाम से वाद ला सकेगी, और अनुच्छेद 52 में क्या है भी, इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में, ठीक, इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि किस देश ने यूक्रेन में डेमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू की है, किस देश ने भाई शुरू की है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन में एक डेमिनिंग से ट्रेनिंग से प्रोजेक्ट शुरू की है। रूस के क्रूर आक्रमण की स्थिति में यूक्रेन को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए यह परियोजना शुरू की गई है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे कि राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिताब किसके नाम हैं? तो भाई किसके नाम ये हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, सुजी ओनेल के ये जो है राष्ट्रमंडल खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए राष्ट्रमंडल खेल का जो प्रथम बार आयोजन 1930 में किया गया था, और देखिए 2022 का राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था, कब हुआ था? 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच जो है इसका आयोजन किया गया था। देखिए इसका शुभांकर क्या था? पेरी द बुल। क्या था भाई? पेरी द बुल। ठीक, तो ये शुभांकर था, और जो है भारत जो है यह इसमें चौथे स्थान पर था। कैसे था? कुल 61 पदक जीतकर पदक तालिका में यह चौथे स्थान पर था, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते थे। जो ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें 178 पदक जीतकर पहले स्थान पर था, और इंग्लैंड जो है 176 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर था। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में होगा, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में 2026 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होगा। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं कि विश्व थिएटर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन भाई मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, 27 मार्च को मनाया जाता है। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। कहने की निम्नलिखित में से किस में न्यूनतम आवृत्ति होती है? कहने की दृश्य प्रकाश में, गामा किरणे में, यक्ष किरणे में, या पराबैंगनी किरणे में? तो किस में होती है भाई? ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा, दृश्य प्रकाश में। तो दृश्य प्रकाश में जो है न्यूनतम आवृत्ति होती है। देखिए दृश्य प्रकाश क्या होता है? दृश्य प्रकाश वह प्रकाश जिसे हमारी आंखें जो है देख सकती है। ठीक, देखिए अगर रंग में पूछा जाए कि आवृत्ति किसकी सबसे कम और सबसे अधिक होती है, देखिए लाल रंग की ये आया हुआ प्रश्न है, तो भाई लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। क्या होती है? कम होती है। और बैंगनी रंग की, कौन सी? बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक है, सबसे अधिक होती है। अगर आपको यही तरंग दैर्ध्य पूछ ले जाए तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कहने कि व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन से किया जाता है? बताइए भी इसमें क्या किया जाता है, तो किसका मापन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, प्रतिरोध मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अज्ञात प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। देखिए व्हीट स्टोन आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ऐसे होता है क्यों भाई? ऐसे ही होता है और ऊपर बनाते हैं। तो देखिए तिरछा बन जा रहा है। ठीक, तो यहां से आप एक लगा देते थे, और यहां से ठीक है यहां पे आप बैटरी को लगा देते थे प्लस, और यहां पे आपको की देते थे, और यहां पे आप क्या लगा देते थे? गैल्नोमीटर। ठीक है, गैल्नोमीटर जिसे धारा मापी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता? पी एस क्यू आर। ठीक, तो आप बैलेंस करते थे संतुलित अवस्था में, कैसे रखते थे? पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। ठीक, तो इससे आप क्या निकालते थे? अज्ञात जो है प्रतिरोध का मान ज्ञात करते थे। ठीक, तो इस प्रकार आप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये व्हीट स्टोन सेतु जो है चार प्रतिरोध इसमें PQR जो है, PQR क्या है भाई? प्रतिरोध है। और किस क्रम में, अगर आपसे पूछा जाए ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज में समांतर क्रम में जुड़े होते हैं इनके प्रतिरोध, या श्रेणी क्रम में? तो आप बता देंगे श्रेणी क्रम में। ठीक, श्रेणी क्रम में। ठीक, आइए चलते आगे चलते। कहने की सल्फर और क्लोरीन में किस प्रकार बंद हो सकता है? किस प्रकार? कहने की ध्रुवीय सहसंयोजक
पॉली आयनिक से या अध्रुवीय सहसंयोजक या आयनिक, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें ए नंबर हो जाएगा ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। देखिए सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, जब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की परस्पर साझेदारी द्वारा दो बंध का निर्माण होता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। ये कैसे, जैसे क्लोरीन और सल्फर, क्लोरीन और सल्फर, देखिए सी एल टू का स्ट्रक्चर जैसे इस तरह बनाएंगे ना, क्लोरीन का कुल कितना होता है 17 होते हैं, तो इनमें बाहरी कक्षा में कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कर लेंगे साझेदारी, तो इनके अष्टक जो हैं पूरे हो जाएंगे, ठीक है इनके अष्टक पूरे हो जाएंगे, तो एक एक शेयर करें, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करें कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग में स्पेस पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। आइए ऑप्शन थोड़ा सा और एक दीजिए बताइए, कौन हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा जॉब शेड्यूलर। देखिए जॉब शेड्यूलर जो है जॉब के अन अटेंडेड बैकग्राउंड प्रोग्राम निष्पादन को नियंत्रित करने के लिए एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है या एक ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कई अलग अलग कार्यों के लिए सिस्टम संसाधन को क्या करता है एलोकेट करता है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, करें कि अफ्रीका का कौन सा देश जो इबोला से बहुत अधिक प्रभावित था जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मुक्त घोषित किया गया है, तो बताइए भाई कौन सा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा निगेरिया, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला से प्रभावित नाइजीरिया को मुक्त घोषित कर दिया है, क्या है भाई सॉरी यहाँ नाइजीरिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, नाइजीरिया को क्या कर दिया गया मुक्त घोषित कर दिया गया है। इबोला जो है विषाणु के कारण होने वाला अत्यंत संक्रमण एवं घातक रोग है, आमतौर पर इसके लक्षण वायरस के संपर्क में आने के 2 दिनों से लेकर 3 सप्ताह के बीच शुरू होता है, ठीक, जिसमें क्या होता है बुखार, गले में खरांस, मांसपेशियों में दर्द और सिर में दर्द, ये जैसे लक्षण इसके हैं, ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में कोई द्विध्रुव अगुण क्यों नहीं है, मतलब CCl4 जो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड में कोई द्विध्रुव आघूर्ण क्यों नहीं होता है, तो बताइए भाई, कहने के ऑप्शन कह रहे कार्बन और क्लोरीन के परमाणुओं के समान आकारों के कारण, ऑप्शन और यहाँ है ये, या नियमित टेट्राहेड्रल संरचना के कारण, या समतल संरचना के कारण, या कार्बन और क्लोरीन के समान इलेक्ट्रॉन आकर्षण के कारण, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, नियमित टेट्राहेड्रल संरचना के कारण, ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, तो कौन हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा यकृत, क्या हो जाएगा यकृत, देखिए यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या भाई सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है, या पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है, भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है, और प्रोटीन के विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में क्या करता है परिवर्तित कर देता है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं, आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।